इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, आईएएस में कितने लोग हैं जो हर साल उसके लिए अपीयर करते हैं? 5 से 6 लाख के आसपास। और सीट्स कितनी है? 1000 अप्रोक्सीमेटली। तो जिनका हो जाता है उनके बारे में तो सब बात करते हैं, जिनका नहीं होता है, जिन्होंने पूरी जान लगाई और जिनका नहीं हुआ, उनका क्या होता है? उनके रिश्तेदार उनकी चिंता करते हैं। हम सब हारने से डरते हैं, और मजेदार बात है कि वो डर हमारी हार की वजह बनता है 98% केसेस में। हारने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम जानते हैं अगर हम हारेंगे तो जो पीछे 3 लोग बैठे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव्स और फ्रेंड, वो जीने नहीं देंगे। आप जब भी आईएएस की तैयारी करें, पहला अटेम्प्ट आपका सीरियस अटेम्प्ट होना चाहिए। आपने तैयारी किया, बेसिक्स तैयार किए, आपने एडवांस कोर्स तैयार किया, आपने कम से कम मेंस के 1000 आंसर्स लिखे हैं और मिनिमम 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं, तब आप एग्जाम देने जाइए। सिर्फ एक अटेम्प्ट दीजिए। जिसने भी पहला अटेम्प्ट सीरियस दिया उसको दोबारा तैयारी नहीं करनी पड़ती, रिवीजन करना पड़ता है। भाई आप देखो ना, जितने सारे सेलेक्ट लड़के होते हैं उसमें बहुत सारे नौकरी कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, सर जॉब करते वक्त तैयारी हो सकती है? नहीं, जॉब करते वक्त तैयारी तो नहीं हो सकती, जॉब करते वक्त रिवीजन हो सकता है, 3 आवर्स पर डे 4 आवर्स पर डे। तो मेरी एडवाइस ये है, क्योंकि ये एक बहुत रिस्की खेल है ये। मैं खुद ही बाहर हुआ, और फिर मैं कितने लोगों को देखता हूं जो 5-5, 6-6 अटेम्प्ट के बाद बाहर होते हैं। तो जिनको भी इस गेम में शामिल होना है, एक अटेम्प्ट सीरियसली आपका होता है, बहुत अच्छा है। आपको मैक्सिमम रिस्क लेना है तो आप 2 ले लो, उसके बाद अपना काम शुरू करो जो आपका सेकंड लाइन थॉट था। कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, कोई मतलब जो भी आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं आप करो, लेकिन अपने वो रिवीजन वाले 4 आवर बचा के रखो। आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए थे सर? 4। 4 अटेम्प्ट्स आपने दिए थे, और आपने कहीं से कोचिंग ली थी, यानी लाखों रुपए दिए थे कोचिंग में? नहीं, तब लाखों नहीं थे, तब हजारों थे। अच्छा, 1000 रुपए आपने खर्च करे थे, और आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे, तो टोटल 4 साल में आपको कितना पैसा लग गया होगा, रहना खाना पीना? और आपने तो पूरी तैयारी करी होगी, साथ में कुछ और नहीं किया? आई थिंक सो कुछ नहीं। तो कितना आपका 4 साल में अच्छा खासा पैसा? 5-6 लाख रुपए लगे। 5-6 लाख रुपए उस समय लगे। आज के समय पे अगर किसी को कोचिंग लेनी है तो आई थिंक इससे 3-4 गुना 5 गुना आराम से लगेगा। आराम से। तो 15-20 लाख रुपए उस इंसान का लग गया, और वो है एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से। अब वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना यहाँ करा ना वहाँ करा 4-5 साल बाद? हाँ, वही मैंने कहा कि अब आप, हमारे समय तो ठीक था, अब आप रिस्क पूरा नहीं ले सकते। यू हैव टू बी कॉशियस। अब इनको कॉशियस होना पड़ेगा कि ठीक है, एक जैसे बड़े सारे लड़के क्या करते हैं, वो 1-2 अटेम्प्ट ऐसे ही देते हैं। अब तो इनके पास 6 अटेम्प्ट है। OBC है तो और ज्यादा है, SC ST है तो और ज्यादा है। और मैं कहूंगा आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आप 2 अटेम्प्ट से ज्यादा कभी मत मानिए। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि आइडियली आपको अपने माइंड में ये रखना है कि एक ही अटेम्प्ट है मेरे पास में, मैक्सिमम अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो 2 अटेम्प्ट है, उसके बाद में अपने काम पे ध्यान देना है, और इसको एज अ रिवीजन की तरह देखना है, मतलब इसको साथ साथ में चलाना है। ये नहीं कि अपने 5 साल या 6 साल लाइफ के सारे यहीं निकाल दिए और सारा पैसा घर वालों का लगा दिया, या उन्होंने खेत बेच दिया या लोन ले लिया। ऐसी बहुत कहानियां मैंने सुनी है सर लोगों की, और बहुत ही दर्द होता है ऐसी कहानियां देख करके, ऐसे लोगों की जो कहानियां है उसको सुन करके बहुत ही बुरा लगता है।